हेलो फ्रेंड्स, नीतू वर्ल्ड के सभी दर्शकों को नीतू का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो रहा है सुबह 9:30 बजे का समय। मैं यहाँ कर रही हूँ दीवान की साफ सफाई, क्योंकि यहाँ पर बैठ के मैंने बनाया बहुत ही सुंदर एक DIY ऑर्गेनाइजर, जो कि मोबाइल के बचे हुए बॉक्सेस होते हैं ना अपने पास, उससे। तो यहाँ जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। और यहाँ मैं बाहर गई हूँ दूध लेने, दूध वाले भैया आ गए थे। और सुबह इतने गर्मी हो जाती है ना सुबह सुबह ही 9:30 बजे की, क्या बताऊँ मैं आपको। मार्च में पड़ रही है मई जैसी गर्मी, तो चलिए बनाते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फ्रेंड्स, गर्मी इतनी पड़ रही है कि सभी का कुल्फी खाने का या आइसक्रीम खाने का मन तो कर ही रहा होगा, तो चलिए हम भी बना लेते हैं बढ़िया सी कुल्फी। तो मैंने ले लिया यहाँ कल का दूध इसलिए लिया है क्योंकि उसमें बढ़िया सी मलाई आ गई थी। तो मैंने पूरा 1 लीटर दूध उस मलाई के साथ में डाल दिया, और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए या फिर आधा ना रह जाए। तो ये देखिए बढ़िया से इसमें उबाल आ रहा है, बस इसको पका लेते हैं आधा होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है और चारों तरफ देखिए मलाई भी जम गई। तो ये निकाल निकाल के ना मैं इसमें डालती भी जा रही हूँ कड़छी की सहायता से। और दूध मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा दूध और ऐड कर दिया था, मतलब 1.5 पाव के करीब दूध और ऐड कर दिया था मैंने इसमें। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं मावा। ये अच्छे से उबल के गाढ़ा हो गया है। तो ये देखिए, ये है मावा जो कि है घर का निकला हुआ, ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो इसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। गैस स्लो कर देते हैं, चलने लग गया साइड से, और बढ़िया से इसको इसमें मिक्स करते हैं। अब देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी, ये 1 कटोरी चीनी मैंने ले ली है भर के। बस मिक्स कर देते हैं, थोड़ी देर पका के गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए ये मिक्सचर ठंडा हो गया और कितना गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है बादाम, पिस्ता और ये चिरौंजी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी इलायची, मैंने कूट के रखी है वो। तो ये देखिए अब अच्छे से मिक्स करके बस इसको मैं मोल्ड में भर के जमा दूंगी। तो चलिए भरते हैं मोल्ड में इसको और जमा देते हैं, 7-8 घंटे में अच्छे से तैयार हो जाएगी अपनी कुल्फी। तो जी भर गई है ये मोल्ड्स में, चलिए इसको बंद करके अब मैं रख देती हूँ फ्रीजर में। आइसक्रीम वाले सांचे में फिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर मेरा बच गया था, तो ये इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं ना, उसमें मैंने इसको फिल कर दिया। ऊपर से पॉलिथीन लगा के ना रबड़ बैंड लगा दिए और एक छेद करके आइसक्रीम स्टिक लगा दी है। तो चलिए इनको कर देते हैं फ्रीज और जमा लेते हैं कुल्फी। तो देखिए जो सुबह कुल्फी जमाई थी, ये शाम तक बढ़िया तरीके से जम चुकी है। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ मैं, और आज इससे मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी 2 मिल्क शेक। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं फिर इससे बनाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी हमारी बन के तैयार हो गई है। चलिए इसको गार्निश कर देते हैं पिस्ता से। तो चलिए इस कुल्फी से हम बनाते हैं 2 तरह के मिल्क शेक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कुल्फी को कट कर लूंगी। देखिए एक मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1/2 गिलास दूध, और इसमें ऐड कर देंगे ये कुल्फी। एक चम्मच भर के रूह अफ़ज़ा मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें हमने जो दूध डाला है एकदम ठंडा दूध है, फ्रिज से निकाल के डाला है। तो और इसमें मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारी कुल्फी ऑलरेडी इतनी मीठी है, और इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा भी डाला है। तो चलिए इसको मिक्सी में अच्छी तरह से घुमा लेते हैं और तैयार कर लेते हैं अपना मिल्क शेक। अब यहाँ पर ले लिया मैंने एक ग्लास, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूंगी मैं। अब इसे हम ऐड कर देंगे हमारा बढ़िया सा मिल्क शेक।
क्या बढ़िया मिल्क शेक हमारा तैयार हुआ है रोसा वाला। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये कुल्फी के पीसेस और ये देखिए 3-4 कुल्फी के पीसेस और डाल दिए हैं। क्या बढ़िया मिल्क शेक हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको हम गार्निश कर देंगे पिस्ता से। चलिए अब दूसरा चॉकलेट मिल्क शेक भी बना लेते हैं। इसके लिए ले लिया है मैंने आधा ग्लास दूध, ये बिल्कुल चिल्ड दूध है। इसमें ऐड कर दूंगी ये 2 चॉकलेट के पीसेस। ये इसको मैंने पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था ताकि थोड़ी सी ये मेल्ट हो जाए। ऐड कर रही हूँ ये कुल्फी। तो चलिए इसको भी मिक्सी में घुमा लेते हैं और बना लेते हैं बढ़िया सा चॉकलेट मिल्क शेक। तो जी तैयार है बढ़िया सा हमारा चॉकलेट मिल्क शेक। इसको भी डाल देते हैं एक ग्लास में और इसको मैं गार्निश कर देती हूँ इन चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़ों से। तो जी यहाँ तैयार है हमारे दोनों मिल्क शेक। ये है रूअफ़ज़ा मिल्क शेक विद कुल्फी, ये है चॉकलेट मिल्क शेक विद कुल्फी। तो चलिए बच्चों को टेस्ट कराते हैं। स्नेहा आयुष, स्नेहा को पहले टेस्ट कराते हैं। ये लो स्नेहा तुम्हारा फेवरेट ये रूअफ़ज़ा वाला, और आयुष के लिए है चॉकलेट वाला, तो ये आयुष को भी दे देते हैं। ये लो आयुष तुम्हारा फेवरेट मिल्क शेक चॉकलेट मिल्क शेक। थैंक यू मम्मी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ मोबाइल के जो हमारे बचे हुए बॉक्सेस होते हैं ना जिसमें मोबाइल आते हैं तो हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उसका यूज़ करके मैं बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र की मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइज़र है। इसको आप कहीं भी और कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 3 मोबाइल के बॉक्स जो एक साइज के हैं। बस इन तीनों को एक के ऊपर एक लगा के ना इनके बराबर साइज के मैंने 2 कार्डबोर्ड काट लिए हैं। ये मेरे शूज का जो बॉक्स आता है उसपे से मैंने कार्डबोर्ड काटा है, और आप चाहें तो वैसे दूसरा भी ले सकते हैं, और ये काफी हार्ड था तो मैंने इसी को ले लिया है। और ये देखिए पीछे साइड से भी मैंने बराबर साइज का कट कर लिया है। तो और ये कट करने के बाद मैंने इसको चिपका लिया है ग्लू गन की सहायता से। ग्लू गन से फ्रेंड्स हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, फटाफट चीजें चिपक जाती है। फेविकोल से भी चिपक जाता है लेकिन फेविकोल थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इस तरह से मैंने देखिए तीनों को आपस में चिपका लिया है कार्डबोर्डों को, और चिपकाने के बाद इसको मैंने इस तरह से खड़ा कर लिया है। अब देखिए इस कार्डबोर्ड में मैं सारे मोबाइल के बॉक्सेस को अच्छी तरह से अरेंज करूंगी। मैं इन मोबाइल के बॉक्सेस को इसलिए इसमें अच्छे से अरेंज कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे सबसे फ्रंट का कार्डबोर्ड चिपकाना है। तो ये देखिए मैं ये सारे मोबाइल के बॉक्सेस को इसमें अरेंज कर रही हूँ, और ये जो छोटे छोटे आप कार्डबोर्ड के टुकड़े देख रहे हैं ना इसको भी मैंने मोबाइल बॉक्स के नाप से 1/2 इंच बड़ा रखकर काटा है, तो इसके ऊपर ये बॉक्सेस आसानी से रख जाएंगे। तो ये देखिए अब ये सबसे फ्रंट पार्ट को मैं कट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेके और ये देखिए पेन की सहायता से निशान लगा लिया है। बस मैं अब इसको कैंची की सहायता से कट करके ग्लू गन की सहायता से चिपका दूंगी। इस तरह मेरे अरेंज करने से मुझे काफी हेल्प मिल गई। अगर मैं बिना अरेंज करे इनको ऐसे ही चिपका देती कार्डबोर्ड को काट कट करके तो ये नाप बिल्कुल सही नहीं आता। तो ये देखिए अब मैं ग्लू गन से इसको चिपका रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ले लिया है मैंने गिफ्ट रैप पेपर जो कि आसानी से आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप में मिल जाता है। ये एक शीट मैंने 10 रुपए की ली थी। अब देखिए चारों तरफ से मैं कार्डबोर्ड को कवर करते हुए फेविकोल की सहायता से इसको पूरे कार्डबोर्ड में अच्छे से चिपका दूंगी। तो ये देखिए फेविकोल से मैंने पूरे कार्डबोर्ड में इस गिफ्ट रैप पेपर को अच्छे से चिपका दिया है, और चारों तरफ ये गिफ्ट रैप पेपर लगने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है ये। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं अरेंज करूंगी फिर से मोबाइल के बॉक्सेस। ये देखिए मोबाइल के बॉक्सेस अरेंज कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे इसमें लगाना है अब ये कार्डबोर्ड जो छोटे छोटे टुकड़े हमने काटे थे ना इसको फेविकोल की सहायता से फिक्स करना है। तो ये मैंने मोबाइल के बॉक्सेस लगा दिए ताकि बिल्कुल सही नाप से ये कार्डबोर्ड के टुकड़े इसमें अरेंज हो जाए। और ये जो छोटा वाले छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं कार्डबोर्ड के, इस पर भी मैंने ये गिफ्ट रैप पेपर लगा दिया है ताकि ये बहुत सुंदर लगने लगे। और ये देखिए मैंने इनको अरेंज कर लिया है। अब देखिए फेविकोल की सहायता से मैं इसको अच्छे से चिपका दूंगी। इस तरह से मैं दोनों कार्डबोर्ड के टुकड़ों को फेविकोल से चिपका दूंगी। मोबाइल बॉक्सेस और कार्डबोर्ड को अरेंज करने से मुझे फायदा ये हुआ कि इसका थोड़ा सा भी जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकल गया था उसको मैंने कैंची की सहायता से कट करके इक्वल कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स ये कार्डबोर्ड लगने के बाद
इस तरह का दिख रहा है ये। अब ये मोबाइल बॉक्सेस का जो फ्रंट पोर्शन है उस पे भी मैं छोटे छोटे टुकड़े गिफ्ट रैप पेपर के इसके साइज के कट करके इन पे चिपका दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हम और डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है इस तरह का रिबन। ये रिबन वही है जो हम बर्थडे पार्टी में बैलून के साथ कर्ल करके हैंग करते हैं ना, वो वाला रिबन मेरे पास रखा हुआ था, मैंने वही ले लिया है। आप चाहे तो कलरफुल पेपर ले सकते हैं या कलरफुल टेप ले सकते हैं। तो मैंने ये चारों तरफ रिबन चिपका दिया है और बीच के पार्ट में भी ये रिबन चिपका दिया है, जिससे कि ना हमारा ये जो कार्डबोर्ड का रफ एरिया है वो भी छुप गया है और हमारा ये ऑर्गेनाइजर बहुत सुंदर दिखने लगा है। यहाँ पर ले ली है मैंने एक ये वायर, बच्चे अक्सर यूज करते हैं फ्लावर और पत्तियां बनाने में प्रोजेक्ट में, तो मेरे पास ये रखी हुई थी। आप चाहें तो सुई धागे का भी यूज कर सकते हैं। तो ये वायर में मैंने डाल दिया है ये इस तरह का मोती, ये मोती भी मेरे पास रखा हुआ था। आप चाहें तो बटन भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने कार्डबोर्ड पर दो होल कर लिए हैं और होल करने के बाद में ये देखिए ये जो वायर हमने जिसमें मोती डाला था ये दोनों तरफ से इसमें डाल दी है और अंदर से गोल घुमाते हुए मैंने इसको पैक कर दिया है। इस तरह से मैंने दोनों और बॉक्सेस में भी इस वायर की सहायता से मोती को लगा दिया है। अब ये मोती को इतने अच्छे से हमने पैक कर दिया है कि अब इसको पकड़ के हम अगर खींचते हैं और बॉक्स को अंदर और बाहर करते हैं तो ये बिल्कुल भी जरा सा भी टस से मस नहीं होगा। ये बहुत अच्छा मजबूत तरीके से हमने इसको वायर से अटैच किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा बहुत सुंदर हम मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बनके तैयार है। अब देखिए आप चाहे इसके जैसे भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें अपनी ज्वेलरी रखें, लिपस्टिक्स रखें, बिंदिया रखें, चाहे तो आप सामने टेबल पे रख के मास्क रखें, चाहे आप इसमें अपने DIY का सामान जैसे कि मैंने रखा है उस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है इसमें। और यहाँ देखिए मैं इसको अंदर और बाहर आपको मूव करके दिखा रही हूँ कितनी आसानी से मूव हो रहा है। तो देखिए मैंने यह इसमें रख दिया है सबसे ऊपर वाले बॉक्स में कुछ आइसक्रीम स्टिक्स जिससे मैं DIY करती हूँ, ये लेस और ये जो रिबन हमने अभी यूज किया था। दूसरे वाले बॉक्स में मैंने रख दिया है ये ग्लू गन और लास्ट वाले बॉक्स में मैंने रख दिया है फेविकोल, कैंची और ये एक्रेलिक कलर का जो डब्बा था वो। तो इस तरीके से मैंने ये DIY ऑर्गेनाइजर का यूज़ किया है। आप चाहें जिस तरीके से वैसे यूज़ करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।